नमस्कार दोस्तों, जानिए कैसे में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक बेल होगी, उसे क्लिक करके आप पा सकते हो हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन। हर माता पिता की पहली यही ख्वाहिश होती है कि उसका होने वाला बच्चा तंदुरुस्त तथा स्वस्थ रहो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो कि गर्भावस्था के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर देती है जिससे परिणाम स्वरूप उनका होने वाला बच्चा काफ़ी कमज़ोर पैदा होता है, जिससे कि वह अपना परेशान हो जाती है। इसीलिए आज हम आपके सभी को दो ऐसे काम बताऊंगा जिसे गर्भावस्था के दौरान ना करें, तो इस काम को करने के आपका होने वाला बच्चा काफ़ी कमज़ोर पैदा होता। तो चलिए जान लेते हैं कि वह दो काम कौन से है। गर्भावस्था के दौरान कभी भी भारी भरकम चीज को ना उठाएं, क्योंकि ऐसा करने से इनका सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है, जिससे कारण बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है। इसीलिए आप गर्भावस्था के दौरान यह काम ना करें और सिर्फ गर्भावस्था के दौरान छोटे मोटे काम दो। अन्य दिनों के मुकाबले गर्भावस्था के दिनों में ज़्यादा नींद लेनी चाहिए, क्योंकि कम नींद लेने से गर्भ में पल रहे बच्चों पर इसका सीधा असर पड़ता है और उसका विकास रुक जाता है। इसीलिए गर्भावस्था में दौरान लगभग 10 से 12 घंटे तक सोना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा स्वस्थ और निरोगी पैदा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। किसी भी तरह की मदद अथवा सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।